वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज एक ऐसे सवाल का जवाब लेकर आई हूँ जो बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, स्पेशली फीमेल, कि क्या खाएं एम्प्टी स्टमक उठने के बाद, जो उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में, उनकी डाइट को बैलेंस करने में अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हार्मोनल बैलेंस है या फिर उन्हें डायबिटीज है या कोई और ऐसे क्रॉनिकल इश्यू है, तो उसमें भी हेल्प करे और साथ ही बेली फैट को मैनेज करने के लिए भी और वेट लॉस में भी वो एड करे यानी हेल्प करे। तो ऐसे ही कुछ फूड लेकर आई हूँ जो बहुत आसानी से मिलते हैं इंडियन कल्चर में, आयुर्वेदा में उन्हें अच्छा माना जाता है अगर आप उन्हें एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट उठने के बाद खाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक ड्रिंक आपको बताऊंगी। ये ड्रिंक बेसिकली आयुर्वेद में बेस्ट माना गया है अगर आपको अपना स्टमक मॉर्निंग में उठने के बाद क्लियर करना है, आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम जो हो वो डिटॉक्स हो, आपका इंटेस्टाइन जो है वो लुब्रिकेट हो और साथ ही ये आपकी बोन्स के लिए, इनफैक्ट ये आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। और ये है ल्यूक वार्म वाटर के अंदर देसी गाय का घी। ये जो एक ड्रिंक है आयुर्वेद में इसे बताया गया है कि जब भी आप ये ड्रिंक कंज्यूम करते हैं गुनगुने पानी के साथ एक चम्मच देसी काओ का घी, तो ये आपके सिस्टम को एक्टिवेट करता है मॉर्निंग में। अगर और बेनिफिट्स की बात करूं तो काओ का घी जो है इट्स अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को या जो टॉक्सिन्स होते हैं उसे रिमूव करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये न्यूट्रिशन जो बाकी दिन में आप आगे खाएंगे उसकी न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करने के लिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को भी एक्टिवेट करता है और ये डिक्रीज करता है एसिडिक पीएच आपके गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर बटरिक एसिड होता है, इसके अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करते हैं ये। इसके अलावा ये आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने के लिए, आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, आपकी हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है। नाउ इसे प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है, मैंने यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा हुआ है ये ड्रिंक। तो ये है वो ड्रिंक। सो बेसिकली मैंने इसके अंदर चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर ही काली मिर्च ऐड की है, दोनों ही चीजें बहुत यूजफुल है। ये जो ड्रिंक है ये आपकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करेगा, जो प्रॉब्लम सीजन के साथ आती हैं उसे बचने के लिए ड्रिंक अच्छा है। बेसिकली टर्मरिक जो होता है उसका टेस्ट हल्का सा बिटर होता है, सीजन चेंज से पहले अगर आप ये ड्रिंक लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी उससे इम्प्रूव होगी। सो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया है, आप उस पानी के अंदर हल्का सा हिमालयन सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो आपकी बॉडी को अगेन उसे टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने में, आपकी बॉडी का बेसिकली नेचुरल प्रोसेस होता है टॉक्सिन्स को रिमूव करने का, और जब आप ये ड्रिंक कंज्यूम करेंगे तो वो प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इससे आप शुरुआत करते हैं, फीमेल के लिए हार्मोनल बैलेंस में भी ये हेल्प करेगा। अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग रहती है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो देन दिस इज अ ड्रिंक दैट यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट। नाउ नेक्स्ट जो फूड है जो मैं रेकमेंड करती हूँ आप खाली पेट कंज्यूम करें वो है सीजनल फ्रूट। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स रखे हैं, इसके अंदर बनाना है, इसके अंदर एप्पल है, पियर्स हैं। तो जब भी आप फ्रेश फ्रूट कंज्यूम करते हैं उनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इनके अंदर वाटर कंटेंट होता है, इनके अंदर फाइबर होता है, दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ नेचुरल विटामिंस एंड मिनरल्स। इसके अलावा ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप बहुत अच्छी शुरुआत कर पाते हैं अपनी मॉर्निंग्स की। बट ये दो चीजों का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उन्हें आपको अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो आपके स्टमक के एसिड लेवल को डिस्टर्ब कर सकते हैं और उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को। तो लेमन है, स्टार फ्रूट है या और कोई ऐसा फ्रूट जो बहुत खट्टा है उसे आप अवॉइड करें, लेकिन एक फ्रूट आप ले सकते हैं जो खट्टा है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट है सोक किए हुए नट्स और उसमें जो बेस्ट है वो है आमंड्स। तो मैं इस तरह से बादाम को सोक करके रखती हूँ और मॉर्निंग में उन्हें कंज्यूम करती हूँ। अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो दे आर रिच इन मैग्नीशियम, विटामिन ई, प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये आपकी ब्रेन के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। ये आपको फिल महसूस कराते हैं। इन्हें पानी में भिगोना ना भूलें क्योंकि इनकी जो स्किन होती है उसके अंदर कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी जो है डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती है ठीक से। ऐसे में जब आप इसे कंज्यूम करते हैं स्किन के साथ तो उसके थोड़े से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हो सकते हैं, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी रिड्यूस हो सकती है।
तो जब आप इसे सोक करके खाते हैं तो इसका डाइजेशन इंप्रूव होता है, इसकी न्यूट्रिशन का अब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। तो डू नॉट फॉरगेट दिस स्टेप। इसके स्किन के अंदर टेनेंट्स भी होते हैं, टेनेंट्स जो होते हैं कई और न्यूट्रिएंट्स के अब्सॉर्प्शन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो इसीलिए जरूरी है कि इसकी स्किन को आप रिमूव करें। नेक्स्ट जो फूड है, इट इज एन एक्सेलेंट फूड फॉर फीमेल्स, और वो है रेजिन्स। किशमिश को अगर आप सोक करके कंज्यूम करते हैं तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर मैं किशमिश की बात करूं तो ना सिर्फ आपके डाइजेशन को ये इम्प्रूव करते हैं, इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि आयरन। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है आपको तो आप इसे जल्द से जल्द डाइट के अंदर इंक्लूड करें। यह आपकी बोन की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। इनडाइजेशन से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसे भी कम करता है। इसके अंदर फाइबर होता है, इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में होता है। इसके न्यूट्रिशन के अब्सॉर्प्शन के लिए इसे सोक करना बहुत जरूरी है। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, दे आर सुपर टेस्टी, आपकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा है। किशमिश जो होती है, सोक्ड किशमिश, आपके स्टमक के अंदर उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं जिनका आपकी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। लेकिन जरूरी ये है कि सोक नट्स को और रेजिन्स को आप मॉडरेशन में डाइट में इंक्लूड करें। नेक्स्ट जो चीज है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, वो है ड्राइड फ्रूट्स। तो जैसे कि एप्रिकॉट है जिसे खुमानी कहते हैं, फिग है ड्राइड जिसे अंजीर कहते हैं, प्रूनस भी आते हैं ड्राई किए हुए, डेट्स आते हैं, तो आप इन्हें सोक करके एक या दो ले सकते हैं। बेस्ट टाइम है सर्दियों का, ये भी आपके डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, फाइबर के लिए और बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट्स के लिए यूजफुल है, लेकिन इन्हें मॉडरेशन में ही कंज्यूम करें आप। अगला है कुछ हेल्दी ड्रिंक्स, और यहाँ पर मेरे पास एक ड्रिंक है और ये है एक ग्रीन ड्रिंक। तो जो भी ग्रीन ड्रिंक्स होते हैं, चाहे वो बार्ले जूस हो, व्हीट ग्रास जूस हो, वो बहुत हेल्दी हैं। दे आर पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत हाई अमाउंट में उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में, उसके डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को एनहांस करने में बहुत यूजफुल होता है। एक और जो ड्रिंक है, जब मैं बात करूँ हर्बल ड्रिंक्स की, तो आंवले का जूस अगर आप एलोवेरा के साथ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बरसात के सीजन से पहले आप गिलोय का भी जूस ले सकते हैं। तो ये जूसेस के ऑप्शंस भी अच्छे हैं, लेकिन अगेन एज आई सेड, सीजन के अकॉर्डिंगली लें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, और बहुत लंबे टाइम तक इन्हें ना लें। अगला है सोक किया हुआ मेथी दाना, उसका पानी, तो वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, स्पेशली हार्मोनल बैलेंस के लिए, आपके स्टमक के अंदर, इसके अंदर लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अगेन डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। इसके अंदर भी बिटर टेस्ट होता है जो आपकी इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा, आपके ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसे भी आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बिटर घी। तो सबसे पहला जो हमने चीज बताई थी वो घी से ही रिलेटेड थी, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। सो बेसिकली बिटर घी जो होता है वो कुछ हर्ब्स को मिलाया जाता है घी के अंदर, उससे तैयार होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट है, अगर आपकी बॉडी के अंदर पिता दोष का डिसऑर्डर है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो बहुत ही लाइक इट्स नॉट प्योर, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एक्ने होते हैं या और रिलेटेड जो इश्यूज हैं, एंड आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अगर कंसल्ट करके इसे स्टार्ट करें तो अच्छा है। सो पीपल जिन्हें ब्लड प्योरीफाई करना है, जिसे स्किन से बहुत ज्यादा डिसऑर्डर रहते हैं रिलेटेड, वो इसे डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट जो चीज है वो है हनी वाटर। आप वार्म वाटर में थोड़ा सा हनी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में ही बहुत ज्यादा ड्रेन आउट फील करते हैं, यू फील स्लीपी, आपको एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है, तो आपके लिए एक इंस्टेंट एनर्जी का ड्रिंक है। बट पीपल विद डायबिटीज एंड अदर हेल्थ इश्यूज, जिन्हें वेट लॉस करना है, वो इसे ना लें। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शन है। लास्ट इज, अगर आपको कुछ भी नहीं लेना है इनमें से, तो प्लीज स्टार्ट योर डे विद अ ग्लास ऑफ लुकवॉर्म वाटर, और अगर हो सके तो आप उसे इस तरह के मेटल के अंदर लें। ये एक मिक्स मेटल है, इसके अंदर कॉपर भी है और हेल्दी मेटल्स हैं। आप कॉपर के ग्लास के अंदर भी पानी पी सकते हैं, बट यस, उसे भी बहुत लंबे टाइम तक ना कंज्यूम करें, जस्ट गिव इट अ ब्रेक, ताकि कॉपर का भी लेवल बहुत ज्यादा हाई ना हो जाए। सो दिस वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 10 थिंग्स दैट यू कैन स्टार्ट योर डे विद। एम्प्टी स्टमक आप इनमें से कोई भी चीज लेंगे तो आपके लिए यूजफुल रहेगा, बट मेक श्योर गो अकॉर्डिंग टू दिस सीजन, गो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नेचर, आपको क्या सूट करता है, आपको किस चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हेल्दी थिंग्स दैट यू कैन यूज टू स्टार्ट योर डे। एम्प्टी स्टमक आप इन्हें ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव, स्टे सेफ, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।